एक टिपिकल टाइप की जेनेटिक डिजीज होती है जिसे एडर्मेटोग्लिसिया कहते हैं, यानी कि आपके फिंगरप्रिंट एक समय के बाद से जाने लगते हैं। ज़्यादातर ये ओल्ड एज में पाया जाता है, लेकिन आज की डेट में ओल्ड एज में नॉर्मल सी बात है यूजुअली, लेकिन यंग एज में यदि फिंगरप्रिंट जाने लगे तो भाई बहुत वरीड होने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल की डेट में मोबाइल के सेंसर से लेकर बैंक अकाउंट सारे आपके फिंगरप्रिंट के थ्रू गॉर्न होते हैं, मैनेज होते हैं। सो दैट्स वाई इसी तरह का केस था, पहले भी हम करीब ढेर सारे ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि सारे मरीज सही नहीं होते हैं। जिस केस में केस हिस्ट्री सही से ली जाती है, केस एनालिसिस सही से हो जाती है, ऐसे केसेस में उम्मीद रहती है कि रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि केस की एनालिसिस और केस का रिपोर्टराइजेशन। जैसे मेरे पास पवन बाबू आए हुए हैं जो नेपाल के नवलपरासी के रहने वाले हैं, इनके भी फिंगरप्रिंट जाने लगे थे। पहले तो हम पवन की स्टोरी सुनेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनके केस में एक महीने में कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट आया, ये भी दिखाएंगे हम आपको। और इसके अलावा हमने इसमें अप्रोच क्या रखी, और यदि आप भी इस दिक्कत से सफ़र कर रहे हैं तो उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। पवन, वेरी फर्स्ट टाइम कब आपने दिक्कत महसूस की, कितने दिन पहले की बात है? हो गया 2-3 साल पहले का। 2-3 साल पहले कैसे मालूम चला कि आपके फिंगरप्रिंट जा रहे हैं? मैं जा रहा था विदेश के लिए ट्राई करने के लिए। तो आपने वीज़ा लगाया था बाहर के लिए, तो पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई किया, जिसके लिए आप वहाँ गए तो आपका स्कैनिंग करवाया गया और स्कैनिंग में वो ट्रैक नहीं कर पाया, ठीक है, इस दौरान आपका वीज़ा नहीं लग पाया, ठीक है बेटा। 2 साल पहले इन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम ट्राई किया। अच्छा बेटा, 2 साल से लेके अब तक जो रहा ये हमेशा एक ही जैसा बना रहा है, ये दिन प्रतिदिन और ख़राब होता चला गया? दिन पे दिन और ख़राब चला गया। ठीक है। अच्छा, आपके हाथ में पसीना भी खूब होता है? पसीना आता है। ठीक है। और कई बार इसके यहाँ से गर्चरी भी एक्सफोलिएट होती है। हमारे लिए 2 मार्कर हैं डिफ्रेंसिएशन के एडर्मेटोग्लिफिया के केस में। एक ऐसा हाथ जिस हाथ में सीवियर ड्राइनेस हो, यानी कहीं दूर दूर तक पसीना ना हो, और दूसरे ऐसे पेशेंट जिनके हाथ क्लैमी होते हैं, यानी जिनको स्वेटिंग पहुँचाते होती हो हाथों से। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड यही होती है भाई, पाम एंड सोल में। लेकिन ज़्यादातर लोगों को या फिर मेजोरिटी ऑफ द लोगों को हाथ पैर से पसीना नहीं होता है कि वो, क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़ी रहती है। लेकिन जब यहाँ स्वेटिंग होने लगती है, एक्सफोलिएशन होने लगता है, ये भी एडर्मेटोग्लिफिया को प्रमोट करता है। नो डाउट ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और यदि हम बोलें जेनेटिक डिसऑर्डर भी होम्योपैथी से सही होते हैं तो भाई हमें भी नहीं मालूम था। लेकिन रिस्पॉन्स मिलता है DMD से लेके एडर्मेटोग्लिफिया और ढेर सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जिनको यदि सही समय पर इंटरवेंशन कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। बेटा, एक महीने पहले आप हमारे पास 18 अगस्त 2024 को आए, ठीक है बेटा। उस समय भी आपने वीज़ा के कितने दिन पहले अप्लाई किया था जो आपका रिजेक्ट हो चुका था? दो साल पहले वाला है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद जब दोबारा आपने दवा शुरू की, उसके बाद क्या हाल चल रहे हैं आपके? ठीक है। पहले बायोमेट्रिक में करता था, मैं कंपनी में काम करता हूँ तो वहाँ आता ही नहीं था, नहीं आता था, ठीक है। अब बायोमेट्रिक में 3-4 बार कोशिश करने के बाद आता है। अच्छा, दोनों थंब आने लगे हैं? दोनों। अच्छा, थंब के अलावा बाकी फिंगर का तो अभी बायोमेट्रिक में रोल है नहीं, ठीक है। इस एक महीने के इम्प्रूवमेंट में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यदि एक महीने में थंब की बायोमेट्रिक सही हो गई है, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा ध्यान से, इसमें ढेर सारे अच्छे रेजेज आ गए हैं और अब हमें लग रहा है कि अगले महीने तक ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी कि थंब आए या ना आए, वो लगातार आएगा। और ये जब आप रिपोर्ट देखेंगे, ये लेफ्ट थंब की है, दिस इज़ द क्लियर वन। राइट थंब भी लगभग काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। फिंगर्स में भी ढेर सारे रेजेज आ गए हैं, केवल एक जगह रेजेज नहीं है, वो है इनकी लिटिल फिंगर में इंप्रूवमेंट सबसे लास्ट में मिलता है। सो दैट्स वाई उम्मीद की इसमें भी रेजेज हैं लेकिन उतने प्रॉब्लम नहीं है। हमने इनको 2-3 सप्लीमेंट बताए थे भाई। हाँ भाई पवन, क्या क्या बताया था मैंने आपको लेने के लिए खाने पीने में, कुछ बताया था आपको? हमने इनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में बताया था, ओमेगा 369 के बारे में, और हमने बोला था हाथ को एलम से धुलने के लिए, फिटकरी से धुलने के लिए। 2 काम शुरू कर दीजिए, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से दवा ले लीजिए, ठीक हो जाता। लेकिन सारे मरीजों की दवाइयाँ एक नहीं होती हैं भाई, यदि एक होती तो हम एक पेटेंट बना देते, सबको दे देते, लेकिन इसके लिए हमें केस हिस्ट्री और केस एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अभी जो इनको रिस्पॉन्स मिल रहा है वो वास्तव में ऑर्गेनिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। असली मज़ा तब आएगा जब कुछ समय के बाद से हम इनका इलाज बंद कर दें, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देके और हमेशा ही ठीक बने रहें, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को समय समय पर देते रहेंगे। इसीलिए किसी भी ट्रीटमेंट के लिए केस हिस्ट्री, केस एनालिसिस और रिपोर्टराइजेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर 2 सिम्पटम पर दवा दे देता है, वो सही तरीका नहीं है। क्रॉनिक इलनेस में तो इसमें कभी भी हीलिंग नहीं होगी। सो दैट्स वाई सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सही तरीके से प्रोसीड करिए और सही डॉक्टर से प्रोसीड करिए।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह।